Hello everyone. Good morning. Good morning everyone. I'm sorry. Good afternoon. Good afternoon everyone. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of an academy, and I welcome all of you to my today's class of newspaper analysis. So guys, आज 3rd of August का दिन है एंड जल्दी से हम न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. 3rd of August ट्यूसडे का दिन है एंड आई एम बैक अगेन विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन. आप सबको पता ही है, रोज मैं बताती हूँ, दिस सेशन इज यूजफुल फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स. इसके अलावा कोई भी और एंट्रेंस अगर आप दे रहे हो उसमें भी करंट अफेयर सेक्शन प्रिपेयर करना है, तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज. ओके श्रेया, आयुषी, वेलकम टू द क्लास. गुड मॉर्निंग, गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. 10:42 को आयुषी बोल रहे आधे घंटे लेट. बेटा आयुषी, 12:30 का क्लास था, मैंने बताया है और रोज मैं बताती हूँ. टेलीग्राम पे प्लीज टाइम चेक किया कीजिए. ओके मैंने आपको बताया है, ये अभी बहुत मेरी थोड़ी क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, इसमें भी मैं कैसे क्लास लेती हूँ मुझे ही पता है. ओके सो प्लीज टेलीग्राम फॉलो कीजिए, उस पर मेरा टाइमिंग मैं रोज बताती हूँ, प्लीज चेक किया कीजिए. तो डोंट कंप्लेन आधे घंटे लेट और वॉट एवर, मैं टाइम बता देती हूँ और वो टाइम पे मैं ले लेती हूँ. मैं टेलीग्राम पे रोज बताती हूँ. टाइम अभी थोड़ा चेंज होगा थोड़े दिनों के लिए, सो रियली कांट हेल्प इट, प्लीज कोऑपरेट. आई होप आयुषी यू अंडरस्टैंड. आयुषी अग्रवाल जो बोल रही थी आधे घंटे लेट, वो समझ गई है. मैंने बताया है, रोज बताया है कि टेलीग्राम पे आप चेक किया कीजिए टाइम, कौन से टाइम पे क्लास होगी. 12:30 बोला था और 12:30 मैंने स्टार्ट किया है. ऑलराइट चलो, तो आई एम दिस क्लास इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स. आप लोग प्लीज सभी के साथ जल्दी से शेयर कीजिए अबाउट द क्लास. हिट द शेयर बटन, क्लिक द शेयर बटन एंड हुमेवर यू नो जो लॉ एंट्रेंस दे रहा है या कोई और एंट्रेंस दे रहा है जिसमें करंट अफेयर सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन सभी के साथ शेयर अबाउट दिस क्लास. ओके डू योर बेट प्लीज. इसके अलावा मैं थोड़ा अपने बारे में और अनएकेडमी के बारे में बताना चाहूंगी आपको. गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई एम हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद IMS लर्निंग रिसोर्सेज. आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद CSN कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, वेर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू CSN कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स. And I really love interacting with all the lovely students like you and sharing my knowledge. So yeah guys, that's me. An Academy is a wonderful, wonderful platform out there guys. Trust my word, बहुत बढ़िया features है. जैसे कि raise hand option है, पोल कंडक्ट हो सकता है. तो पहले तो अनएकेडमी आपने अगर ज्वाइन ही नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए. गो टू योर प्ले स्टोर, साइन अप एंड ज्वाइन अनएकेडमी. यू कैन यूज माय कोड निधि लाइव. निधि लाइव ये कोड यूज करके आप एंटर कर सकते हैं. आपको कोई कोड पूछेंगे, कोई भी कोड डालने में आप मेरा कोड डाल सकते हो, निधि लाइव. ये कोड यूज करके आप साइन अप कीजिए. फिर यू कैन सर्च माई नेम निधि ध्रुव और मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस वगैरह है वो आप देख सकते हो. फ्री वाली क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस मतलब, वो देखिए. इसके अलावा जितने भी दूसरे एडुकेटर्स हैं उनकी भी फ्री वाली क्लासेस देखिए, स्पेशल क्लासेस, एंड देन जज कीजिए कि वेदर आपको अनएकेडमी पे टीचिंग अच्छा लगता है या नहीं लगता है. अगर अच्छा लगता है देन ज्वाइन फॉर दीज बैचेस. ये बैचेस ज्वाइन करने से आपका प्रॉपर वे में सिलेबस कम्प्लीशन होगा और ये जरूरी है, ठीक है. ये आपको करना है प्रॉपर वे में सिलेबस कंप्लीशन के लिए. 2022 और 2023 एस्पिरेंट्स के लिए बैचेस है, ठीक है. ये सारी ऑफर्स भी चल रही है. ये प्राइजेस है, आप लोग देख लीजिए बहुत अच्छे से प्राइजेस, बहुत ज़्यादा कम प्राइस और रीजनेबल प्राइस है. निधि लाइफ कोर यूज करने से और 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा भी मिल रहा आएगा. ये मैंने एंटर नहीं किया है, आज भी मेरी स्पेशल क्लास है 3rd of August. ओके 3rd of August की 8:30 को है स्पेशल क्लास, जिसमें मैं अगेन करंट अफेयर्स क्विज करवाऊंगी. कल की क्लास गाइज नहीं हो पाई थी, वो ही क्लास आज होगी. तो ये 3rd of August होगा, जुलाई लिख दिया है भूल से. तो 3rd of August को आज भी 8:30 सेम क्लास होगी, करंट अफेयर्स क्विज, जो कल क्योंकि नहीं हो पाई थी. 21st to 25th June के करंट अफेयर्स का क्विज करवाऊंगी. गाइज स्पेशल क्लास ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा आपको फायदेमंद है. क्यों? बिकॉज स्पेशल क्लास में क्या होता है गाइज, अभी आपको जो YouTube पे फीचर्स नहीं मिलेंगे वो वाले स्पेशल क्लास में फीचर्स मिलेंगे. तो बहुत सारे जो चीजों के डाउट्स आप पूछते हो उसके मैं स्पेशल क्लास ले लूंगी. करंट अफेयर्स का क्विज लेती हूँ, जिससे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इजी वे में यू कैन रिमेंबर द करंट अफेयर्स. ओके
तो उसपे अलग अलग फीचर्स है, लाइक रेज योर हैंड ऑप्शन, पोल का फीचर है जिसमें मैं पोल कंडक्ट करके आपका क्विज वगैरह कंडक्ट करती हूँ. तो ये सारे फीचर्स आप अनअकैडमी पे खास यूज कर पाओगे, एंड दैट इज हाउ स्पेशल क्लास आपको बेनिफिट करेगी. स्पेशल क्लास के लिए क्या करना है मैंने स्टार्टिंग में बताया, ज्वाइन साइन अप फॉर अनअकैडमी या नीडी लाइव कोड यूज करके एंटर हो जाइए. स्पेशल क्लास देखिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेशल क्लास सभी एडुकेटर्स की भी देखिए, आपको बहुत फायदा होगा. इसके अलावा ये लाइव क्विज फीचर भी है जो आपको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करना चाहिए. फ्री वाला क्विज है, आप सभी लोग इसको दे सकते हो. एनालिसिस हमने 2021 एग्जाम का किया था, आई होप आप सबने अटेंड किया है, नहीं किया है तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिए. ये सारी टेस्ट भी दिया कीजिए, वीकली T20 टेस्ट है, इट्स ओपन फॉर एवरीवन, सभी के लिए ओपन है, प्लीज दीजिए. और ये जो चैनल पे आप अभी मुझे देख रहे हो अनअकैडमी क्लैट की यूट्यूब चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए हाउ यू फील अबाउट माई वीडियो, एंड लाइक एंड शेयर कीजिए एंड शो अस सम लव. तो जल्दी से गाइस शेयर अबाउट दिस क्लास, मैंने देखा अभी तक बहुत लोगों को शेयर नहीं किया आप लोगों ने. हेलो हेलो एवरीवन, हेलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. स्टार्ट करते हैं. तो नंबर्स अभी तक बढ़े नहीं हैं, आई सी कि आप लोगों ने शेयर नहीं किया अबाउट द क्लास, जल्दी से शेयर कर दीजिए. ठीक है, टुडे 3rd of August एंड ट्यूजडे का दिन है, और आज के न्यूज़पेपर में क्या इम्पोर्टेंट है लेट अस सी, देखते हैं हम लोग. ओके, फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, हमने कुछ दिनों पहले जुलाई मंथ में 5th of July को ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट वॉज लाइक शॉक्ड टू सी दैट सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट इज स्टिल इन यूज, इवन दो कुछ 6 साल पहले उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट वॉज शॉक टू सी कि उसके बावजूद पुलिस अभी भी इसके अंदर केस दर्ज कर रही है, एंड पीपल आर अरेस्टेड एंड पीपल एंड द केसेस आर गोइंग ऑन अगेंस्ट देम अंडर सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट विच इज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल 6 years बैक. तो ये बहुत शॉक लगा था सुप्रीम कोर्ट को. अभी भी अभी सुप्रीम कोर्ट पीछे लगी हुई है देखने के लिए कि नाउ टू मेक श्योर दैट 66A यूज ना हो बिल्कुल भी. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है स्टेट्स को ऑन केसेस अंडर 66A. तो हर स्टेट की हाई कोर्ट वगैरह को क्वेश्चन किया है कि ये सेक्शन क्यों यूज किया जा रहा, नहीं यूज किया जाए वो मेक श्योर करने की ट्राई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन स्टेट्स on cases under 66A, citizens are still being booked under it, says plea. ओके, तो प्लीडिंग जो फाइल किया गया उसमें यही बताया गया है कि सिटीजन को अभी भी बुक किया जा रहा है, अभी भी अरेस्ट किया जा रहा है और चार्ज लगाया जा रहा है ये सेक्शन के अंडर. तो सेवरल वायलेशन, इसके लिए पूरा टाइमलाइन हम पढ़ेंगे और ये आपको लिखना है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने स्टार मार्क कर दिया है दोज न्यूज विच आई स्टार मार्क, यू नीड टू राइट गाइस नोट डाउन, आप लोग को नोट्स बनाने के लिए वो हेल्प करेगा. तो ये जितना आपको ये बॉक्स में दिख रहा है उतना चीज आपको लिखना है अलॉन्ग विद द हेडिंग. ठीक है, मैं जूम करके दिखाती हूँ, आप साथ साथ में पढ़िए. तो सेक्शन 66A ऑफ एक्ट पेनलाइज क्या करता है, सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस बाय ऑनलाइन कम्युनिकेशन लाइक सोशल मीडिया पे अगर ऑफेंसिव मैसेजेस आप स्प्रेड करते हो तो सेक्शन 66A उसके लिए बनाया गया था कि उसमें आपको 3 साल की जेल होगी. बट इन 2015 इट वॉज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था 2015 के श्रेया सिंघल वाले जजमेंट में. ठीक है, हाउएवर द प्रोविजन कंटिन्यूज टू बी इन्वोक्ड इन केसेस अक्रॉस द कंट्रीज इवन टूडे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद भी. वॉट वॉज द टाइम लाइन, आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानिए. तो दिसंबर 2008 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल पास किया पार्लियामेंट में जिसमें सेक्शन 66A को ऐड किया गया था. देन अक्टूबर 2009 IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 आया, वो लाइक दिसंबर 2008 से वो स्टार्ट हुआ, अक्टूबर 2009 में सॉरी वो इट केम इन टू फोर्स मतलब एप्लीकेबल हुआ. नवंबर 2012 में PIL वॉज फाइल्ड बाई श्रेया सिंघल चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 66A ऑफ दैट. श्रेया सिंघल ने चैलेंज किया था कि ये PIL फाइल करके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब कोई भी फाइल कर सकता है किसी और के बिहाफ में, दैट इज व्हाट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो ये फाइल करके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज किया था कि सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्ट को इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए. देन मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया
in the case of Shreya Singhal versus Union of India and declared this section 66A as unconstitutional 6 years back 2015 में. फेब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट भी किया कि जजमेंट इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है इट शुड बी सेंड टू ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सभी को ये सेक्शन अभी निकाल दिया है ये चीज के बारे में इन्फॉर्म किया जाए ये फेब्रुवरी 2019 में हुआ दैट इज ऑल्सो लाइक क्वाइट लेट मार्च 2015 में उन्होंने डिसीजन पास किया और बाद में 2019 में फेब्रुवरी में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी को स्प्रेड करो 4 साल के बाद ओके एंड अभी भी उसके 6 साल के बाद भी उसके स्टिल केसेस दर्ज हो रहे हैं आप केस काउंट भी देख सकते हो ये लिखना नहीं है सिर्फ ध्यान में रखना है ये पिंक वाला बॉक्स लिखना मत रेड वाला ओके तो ये कौन से स्टेट्स में खास करके 11 स्टेट्स में इसके केसेस रजिस्टर हो रहे हैं आसाम आंध्र प्रदेश दिल्ली झारखंड कर्नाटका महाराष्ट्र राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल तो दैट इज वॉट हाउ इट इज ये चीज अभी चल रही है तो ये पूरी टाइमलाइन आपको ध्यान में रखनी है आई होप एवरीबडी इज क्लियर ये पूरा लिखना है हाँ गाइस स्टार मार्क करके आया है वो पूरा ये बॉक्स लिखना है बट नॉट द रेड बॉक्स ओके सो लॉट ऑफ कमेंट्स आई एम गेटिंग आई विल जस्ट क्विकली आंसर देम आरती सोनी आस्किंग मैं एडिटोरियल की समरी कैसे बनाते हैं तो एडिटोरियल की रोज समरी बनानी जरूरी नहीं है ट्रस्ट मी बट जिस जिस दिन जरूरी है तो उस दिन मैं एडिटोरियल के बाजू में ही वो पैराग्राफ के बाजू में ही मार्क डाउन कर देती हूँ और अंडरलाइन कर देती हूँ क्या आपको लिखने जैसा है और क्या नहीं तो उसको इसी तरीके से होता है एडिटोरियल रोज नहीं बनानी है समरी जिस दिन मैं लिखने जैसा बोलूंगी तभी बनानी क्योंकि बहुत सारी मैटर्स गाइस ऐसी होती है जो भी अभी ऑन गोइंग होती है उसके डिसीजंस आने बाकी होते हैं और जबकि हमें उसके डिसीजंस इम्पॉर्टेंट होते हैं तो ऑन गोइंग जब भी इश्यू है और उसके हमें पता है कि आपके एग्जाम्स के पहले अगर डिसीजन वगैरह भी आ सकते हैं तो वही चीज़ की हम नोट्स बनाएंगे ना कि हम रोज की जो उसकी न्यूज़ आएगी उसकी बनाएंगे फाइनल उसकी जो आउटकम होगी उसकी बनाएंगे तो नॉट नेसेसरी दैट एवरी डे यू हैव टू मेक नोट्स ठीक है श्रेया इज आस्किंग सीआर एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए एडिटोरियल कर सकते हैं येस डेफिनेटली श्रेया द हिंदू न्यूज़पेपर मेरा कराने का मल्टीपल पर्पज़ है एक्चुअली मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए जिसमें मैं समझाऊंगी कि क्यों कैसे द हिंदू न्यूज़पेपर इज़ बेटर और क्यों हेल्पफुल है क्योंकि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर का लैंग्वेज इज लिटिल लाइक बेटर देन मई बेटर एज इन वोकैबलरी और बेटर स्ट्रॉन्ग है देन अदर न्यूज़ पेपर्स तो अदर न्यूज़ पेपर में आई रिलेटिवली फाइंड द लैंग्वेज मोर ईजी तो हिंदू न्यूज़ पेपर के सभी आर्टिकल्स जब आप पढ़ते हो स्पेशली एडिटोरियल आपका वोकैबलरी हाई होता है जो आपको इंग्लिश सेक्शन में हेल्प करता है उसके साथ साथ आपको लीगल सेक्शन में भी क्लैट में आपको लीगल करंट अफेयर्स के ही पैसेजेस पूछते हैं तो लीगल सेक्शन के लिए भी क्या पूछ सकते हैं मैं वो पढ़वाती हूँ और वो भी आपको काम लीगल रीजनिंग सेक्शन भी आपको एक तरीके से हो जाता है एंड डेफिनेटली आपका पूरा जीके करंट अफेयर सेक्शन तो प्रिपेयर करवा ही रही हूँ ये न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू तो न्यूज़पेपर एनालिसिस में द हिंदू न्यूज़पेपर चूज करके मैं जो पढ़वाती हूँ इसके 3 रीजन मेन सॉल्व होते हैं इंग्लिश सेक्शन लीगल रीजनिंग सेक्शन और जीके सेक्शन तीन तीन सेक्शन एक साथ मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ आपको इधर आधी सोनी अपने ध्यान से पढ़ानी बेटा मैंने समझाया ना स्टार्टिंग में आर्टिकल 66A क्या है देखिए मैंने अभी टिक मार्क किया वो लिखा हुआ है कोई भी सोशल मीडिया ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू कोई ऑफेंसिव मैसेजेस अगर आप स्प्रेड करते हो तो 3 साल का जेल होता है दैट वाज सेक्शन 66A जो कि अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है ठीक है आयुषी राजे सिंह मैं बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बोर्ड्स और क्लैट को मैनेज करने में अभी से व्हाट आर यू सेइंग आयुषी राज Why so much problem? सिंपल है आप लोग को अगर आप 2022 एस्पिरेंट हो तो आपको पढ़ाई मई 2021 से मई 2022 के करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने हैं तो ऑलमोस्ट मई महीने से अप्रैल महीने से आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट की है तो अच्छा है मई से लेके आप ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक आप पढ़ाई करो
फिर अक्टूबर मिड से आप बोर्ड्स को कंसंट्रेट करो. ऑफ कोर्स बोर्ड्स का भी पढ़ाई करो, बट रोज 4 से 5 घंटा क्लैट के लिए पढ़ाई करो, ठीक है. रोज 1-1 घंटा करंट अफेयर्स के पीछे दो, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 1-1 घंटा दो. 4 से 5 घंटा रोज करंट, ये हमारा एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो, और 1-2 घंटा आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो अभी के लिए. फिर अक्टूबर मिड से आप 1-1.5 घंटा सिर्फ करंट अफेयर्स अपडेट करने में डालो, बाकी क्लैट का प्रिपरेशन थोड़ा साइड में रखो. मिड अक्टूबर से नवंबर में आपकी एग्जाम आने वाली है. सीबीएसई ने तो डिक्लेयर किया है कि 2 एग्जाम्स होगी नवंबर और अप्रैल में. तो अक्टूबर मिड से नवंबर तक आप बोर्ड्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, 4-5 घंटा वो पढ़ाई करो, और 1-2 घंटा आप सिर्फ क्लैट का प्रिपरेशन करो. एंड देन अगेन नवंबर के बाद उठाओ, दिसंबर जनवरी फरवरी वापस फुल ऑन 4 से 5, 6 से 6 घंटा भी फिर नजदीक आएगी. 6-6 घंटा आप एटलीस्ट क्लैट का प्रिपरेशन करो, और 1-2 घंटा फिर बोर्ड्स का करो. अगेन मार्च मिड से उठाओ, बोर्ड्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, 1-2 घंटा ही सिर्फ क्लैट पे कॉन्सेंट्रेट करो. अप्रैल में जैसे ही खत्म हो जाता है आपका बोर्ड्स वगैरह, आई मीन हाँ बोर्ड्स वगैरह, तो मई में एग्जाम आने के पहले फुल ऑन फिर पूरा पूरा दिन अच्छे से प्रिपेयर करो. दैट्स हाउ यू हैव टू मैनेज. ये एक तरीका है प्रिपेयर करने का. आई होप आयुषी राज यू आर क्लियर विद दिस. सब लोग को क्लियर है कैसे करना है प्रिपेयर? चीनू इज आस्किंग, मैम ज्यादा लेट हुआ क्या? चीनू मैंने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया अभी तक, उसका आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो बेटा जितना मिस हुआ, बाकी इतना ज्यादा मिस नहीं हुआ है. मैं जरा सभी के कमेंट्स को ही एड्रेस कर रही थी, आंसर दे रही थी कि कैसे प्रिपेयर करना है. 2022 एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं कि बोर्ड्स के साथ क्लैश हो रहा है, तो मतलब मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है. तो समझाया मैंने आयुषी अभी कैसे मैनेज करना है. क्या आप क्लियर हो? अभी समझ में आ रहा है आपको? ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. आगे बढ़ेंगे हम लोग, और दूसरे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है वो देखते हैं, ठीक है. तो आसाम टेक्स बैक केस फाइल अगेन मिजोरम एमपी. तो मिजोरम और आसाम के बीच में बॉर्डर इश्यू पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है कितने दिनों से हमें पता है, काफी दिनों से, 2 से ज्यादा वीक्स हो गए जिससे प्रॉब्लम चल रहा है. उसमें आसाम गवर्नमेंट ने एक केस फाइल किया था अगेंस्ट मिजोरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिजोरम के एमपी के खिलाफ. अभी सिंस अमित शाह ने फिर थोड़ा एमिकेबल सेटलमेंट करवाया है, पीसफुल डिस्प्यूट, पीसफुली वो लोग सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं डिस्प्यूट. तो आसाम ने भी जो मिजोरम एमपी के खिलाफ केस किया था, ही इज दे आर दे हैव टेकन इट बैक, एंड मिजोरम सीएम ऑर्डर्स विदड्रॉल ऑफ एफआईआर. एक्चुअली मिजोरम सीएम के ऑर्डर करने पे के मिजोरम के एमपी के केस को विड्रॉ किया जाए, एफआईआर को विड्रॉ किया जाए, आसाम ने ये एग्जीक्यूट किया है, एंड दैट्स अ गुड थिंग. नेक्स्ट न्यूज, इम्पॉर्टेंट न्यूज इज, ये लिखनी नहीं थी, वो वाली ऊपर की लिखनी थी. ये भी सिर्फ ध्यान में रखने वाली न्यूज है, लिखनी नहीं है. एट $35 बिलियन जुलाई एक्सपोर्ट्स 34% हायर देन प्री कोविड लेवल. तो जुलाई महीने में, ऑगस्ट महीना जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, 3 ही दिन हुए, आज तीसरा दिन है ऑगस्ट का, और जुलाई का एक्सपोर्ट्स का एक डेटा बाहर आया है जिसे पता चल रहा है कि कोविड के पहले के जो लेवल से भी 34% तक का ज्यादा हाइक हुआ है इन एक्सपोर्टिंग गुड्स. एक्सपोर्ट्स करने में 34% जितना हाइक हुआ है प्री कोविड लेवल से, मतलब नॉर्मल जब भी बिजनेस चल रहा था उससे भी ज्यादा अभी बेटर हो रहा है. ऑलमोस्ट $35 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है, विच इज शोइंग दैट हाउ द ग्राफ इज गोइंग वेरी वेरी हाई. ओके, सो दैट इज वॉट द एक्सपोर्ट्स लेवल आर ऑफ जुलाई, जस्ट जुलाई मंथ का ये लोग ने अभी डेटा दिया है. तो जुलाई 2019 में बिफोर कोविड व्हाट वाज द सिचुएशन, उससे बहुत ज्यादा बेटर सिचुएशन आई है, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हमने देखे हमारे फ्रंट पेज से. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है, लेट अस सी. दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज. सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स मीडिएशन इन कृष्णा डिस्प्यूट. तो हमें पता है कृष्णा रिवर, काफी दिनों से हमने, काफी महीनों से हम ये न्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं. कृष्णा रिवर के वाटर के रिगार्डिंग और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, काफी महीनों से ये प्रॉब्लम है.
तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, आंध्र प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के अगेंस्ट केस किया था कि इलीगल वे में वो लोग वाटर ले रहे हैं और अपने लोगों को दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाइल हियरिंग दिस केस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रामना की ही बेंच ने ये केस सुनते हुए ये डिसीजन दिया है कि नॉट डिसीजन दिया है बट एक ऑफर किया है कि अगर आपको चाहिए तो मीडिएशन कीजिए इसमें, मतलब हम मैं ऑर्डर कर सकता हूँ ये आपके डिस्प्यूट में मीडिएशन, मतलब दोनों पार्टी को, दोनों गवर्नमेंट्स को बिठा के बीच में एक मीडिएटर बिठा के चीजें डिसाइड करने की ट्राई की जाएगी, तो ये मीडिएशन के मेथड के थ्रू आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है। ये ऑफर सुप्रीम कोर्ट ने किया है और बोला है कि इफ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस ओके, अदरवाइज मैं ये मैटर किसी एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच को लीगली सुनने के लिए ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो वो भी एक ऑप्शन है। बट सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर एनवी रामना, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने मीडिएशन के लिए ऑफर किया है कृष्णा डिस्प्यूट में, कि दोनों गवर्नमेंट चाहती है तो मीडिएशन से ये डिस्प्यूट सॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज, ये काफी इम्पोर्टेंट न्यूज है, स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको ध्यान में रखना है। किन्वी सिंह मैम ड्रॉप लिया है पर अभी कुछ पढ़ा नहीं है। ओके, शीनू स्टिल काफी टाइम है, थोड़ा सा लेट हो, मतलब ऑफ कोर्स अभी अभी आपकी एग्जाम्स खत्म हुई है, बट डेफिनेटली आपके पास काफी सारे महीने हैं, आप डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ शीनू। आई एम अपरिचित सिंह मैम, 12th के रिजल्ट के बिना प्लेटफॉर्म नहीं डाल सकते हैं ना, हॉल टिकट के बेस पे आई थिंक डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज दिस इम्पोर्टेंट न्यूज वॉज अबाउट कृष्णा रिवर डिस्प्यूट, अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं कौन सा है। तो गाइज आप देखोगे वेरी स्ट्रेंज थिंग टुडे, और आज मुझे आना बहुत सारे लोगों ने मेरे टेलीग्राम पे बताया मैम प्लीज एडिटोरियल और डिटेल में करवाए। अरे व्हाट डू यू मीन बाय डिटेल में कराए, मैं लाइन टू लाइन पूरा का पूरा एडिटोरियल गाइज पढ़ाती हूँ, इससे ज्यादा डिटेल में कितना करवाओ। तो जो भी बोल रहे थे प्लीज बताओ कैसी डिटेल आप लोग चाहते हो। ठीक है, एंड आज बहुत स्ट्रेंज चीज है, आज ही मुझे बोला है एडिटोरियल डिटेल में करवाया, और आज ही ऐसा स्ट्रेंज चीज है कि आप जो जितने भी आर्टिकल देखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पोर्टेंट। तो आज पूरा ये पेज, पहली बार ऐसा आई थिंक हो रहा है कि पूरा पेज स्किप करना है, हमें नहीं पढ़ना है पूरा का पूरा पेज। वाई? बिकॉज आप देखो आर्टिकल्स कैसे हैं, आज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट टाइप्स आर्टिकल नहीं है, तो दैट्स वॉट दैट इज द रीजन हम एडिटोरियल पेज स्किप कर रहे हैं आज। पैथोमिंग सीरो सर्वे डेटा विद कॉशन, तो नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस कंसर्टिंग पिक्चर बिहाइंड द हेडलाइन नंबर्स, तो जो भी हमारे लॉस ऑफ अर्निंग्स और जॉब लॉस जिसकी हुई उसके नंबर्स है उसके बारे में बात की गई है, एग्जाम बोर्ड ऑफिस से नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देन कैसे नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, और मिस्टर येदुरप्पा को निकाल के मिस्टर बोमाई को अपॉइंट किया गया, और उनको कितने कितने कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के साथ डील करना पड़ेगा, एज ए सीएम कितना चैलेंज करना हैंडल करना पड़ेगा, वो सब चीज़ लिखा गया है, एग्जाम बोर्ड ऑफिस से डेफिनेटली नॉट इम्पॉर्टेंट। द कास्ट, दिस इज़ अबाउट वैक्सीनेशन, कितना ज़्यादा वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सेकेंड वेव जैसा वापस ना आए इसके लिए करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ है। तो डेफिनेटली एग्जाम में ये भी नहीं पूछ काम लगने वाला है। तो ये आज का पूरा दिन पूरा पूरा न्यूज़पेपर ऐसा है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक क्वाइट स्ट्रेंज। अगेन ये पेज भी काफ़ी, मतलब पीएसएस वाला मामला है जिसके बेटर आर्टिकल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। एंड ये तो एडुकेटर्स के बारे में है, पढ़ाने के बारे में कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके एडुकेटर्स को पढ़ाना चाहिए वो सब, लाइक हमारे लिए, बट नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट, सो ऑफ कोर्स स्किपिंग दैट। तो आज तो बहुत बढ़िया सा काम हो गया कि आपको मेजोरिटी चीज़ लाइक पढ़नी नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दूसरे पेजेस पे जो हमें हमें करना है। बाय द वे आज गाइज मैंने हैदराबाद एडिशन लिया है, हर्ष ने कल रिक्वेस्ट किया था, कल मैं दिल्ली एडिशन लूँगी, जिसने भी रिक्वेस्ट किया था बता दूँ, आज हैदराबाद एडिशन लिया है, कल दिल्ली एडिशन लूँगी। ठीक है, मिस्टर नीतीश कुमार, हमें पता, आप सबको पता है बिहार के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नीतीश कुमार, उन्होंने बोला है कि पीगेसिस इश्यू पे प्रोब होना ही चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए, एंड मेक इट पब्लिक, लाइक
इस प्रोब को, इस इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक किया जाए, दैट्स व्हाट ही इज रिक्वेस्टिंग. ठीक है, बस उसको हेडलाइन के वे में देखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है हमें. और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है देखते हैं. तो राज्यसभा, RS मतलब राज्यसभा, ऑपोजिशन रेजेस पीगसेस एंड फार्म बिल्स इश्यू. ऑपोजिशन को ऑफकोर्स चाहिए कि गवर्नमेंट पे कैसे अटैक करे, तो बोल रहे हैं लोग कि गवर्नमेंट ने जो ये पीगसेस स्पाइवेयर का इस्तेमाल करके लाइक टेररिज्म वगैरह काम करने के लिए इश्यू ये किया जाता है यूज, तो ये जो किया है वो गलत है. इसमें जिस जिस भी पॉलिटिशियंस वगैरह को थ्रेट पहुंचती है वो बहुत गवर्नमेंट के पार्ट पे गलत है. गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम लोग इसमें बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है. बट ऑफकोर्स ऑपोजिशन विल ट्राई टू पॉइंट फिंगर एट द गवर्नमेंट. तो पीगेसिस और फार्म बिल्स पे ऑपोजिशन बहुत इश्यूज रेस कर रही है और प्रोटेस्ट कर रही है. प्रोटेस्ट की वजह से 2 बार हाउस बैठा, राज्यसभा का मीटिंग हुआ, राज्यसभा मतलब सेशन हुआ, और 2 बार एडजर्नमेंट हो गया बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट. नाउ फाइनली हाउस पासिस इनलैंड वेसल्स बिल अमिड द डिन. तो हमने देखा था लोकसभा में इनलैंड वेसल्स बिल पास हो चुका है, अभी फाइनली राज्यसभा में भी पास हो गया है. तो अभी सिर्फ प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए एंड देन द बिल विल बिकम लॉ. ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी आपको ध्यान रखनी है, नॉट लिखनी नहीं है. 5 जर्नलिस्ट मूव सुप्रीम कोर्ट ओवर स्नो बैंक. तो हमें पता है बहुत सारे केसेस दर्ज हो चुके हैं. ममता बनर्जी खुद भी इन्वेस्टिगेशन करवा रही है अपने लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पीगेसिस इश्यू पे. तो 5 जर्नलिस्ट जिनके नाम पाए गए हैं पीगेसिस वाले लिस्ट में, जिनको थ्रेट है, तो वो 5 जर्नलिस्ट मूव हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में ओवर स्नो बैंक. दे सेड दैट हमारे फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी वायलेट हुआ है इस चीज से. तो इस चीज के लिए 5 जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है फिलहाल. तो डिसीजन क्या आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. केस फाइल हुआ है तो हम लोग ये लिखेंगे नहीं. लोकसभा में, अभी राज्यसभा में क्या बिल पास हो गया हमने देखा. लोकसभा में एक नया बिल पास हुआ है टू अमेंड इंश्योरेंस एक्ट. सो अमेंड प्रोटेस्ट लोकसभा पासिस बिल टू अमेंड इंश्योरेंस एक्ट. इट विल अलाउ गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन इट्स स्टेक इन स्टेट ओन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज. सो प्रोटेस्ट के बीच में लोकसभा में ये इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड करने की बात की गई है. आई मीन बिल पास हो चुका है. ये बिल जो में अमेंडमेंट लाया है इससे गवर्नमेंट जो स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें अपना स्टेक बेच पाएगी, डिस इन्वेस्टमेंट कर पाएगी. तो वैसे टाइप का अमेंडमेंट पास किया है. इसको भी ये जितना मैंने अंडरलाइन किया और हाईलाइट किया उसी में पूरी न्यूज आ गई है. तो हमें ज्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना है, सिर्फ इतना जानना है हेडलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से. और ये लिखना है, ये लिखना है और ये भी लिखना है. देन ये भी लिखना, लिखने वाली न्यूज है गाइस. टॉप PM ऑफिशियल क्विट. अमरजीत सिन्हा ने कोई रीजन नहीं बताया है, बट उनकी अभी भी टेन्योर को, 2 साल की जो टेन्योर थी उसको 7 मंथ्स बाकी थे, उसके पहले ही उन्होंने रिजाइन कर लिया. भाई क्यों रिजाइन किया, क्या हुआ, ये कुछ उन्होंने बताया नहीं है. तो ही वॉज एन IAS ऑफिसर फ्रॉम द 1983 बैच ऑफ बिहार. मिस्टर सिन्हा हु सुपरएन्यूएटेड एज अ सेक्रेटरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन द PMO इन February 2020. तो रिटायरमेंट एज आने पे गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के तौर पे से वो निकल गए. तो PMO में फिर उनको तुरंत अपॉइंट किया गया था February 2020 में. एंड अभी उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है, क्विट कर लिया है. अभी क्यों किया वो नहीं बताया है. ठीक है, सो दिस रेजिग्नेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वन. PMO के ऑफिशियल ने किया है ये. एंड ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट एंड July 31 वॉज द लास्ट डे, ऐसा सीनियर ऑफिशियल से बताया है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट वन. आगे देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है. तो गाइज 12th राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है चाइना के साथ, और इसमें गोगरा और हॉट स्प्रिंग पे जो चाइना के भी ट्रूप्स है डिसएंगेजमेंट हुआ है, थोड़ा पीछे गए बट फिर भी एक्टिविटीज देखने को मिली है. तो वो चीज की प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी थी हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के रिगार्डिंग, देर इज नो अग्रीमेंट येट. अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है वो बारे में, तो सिर्फ ध्यान में रखना है, लिखना विखना नहीं है. नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली टू फोरस्टॉल पब्लिक डिसऑर्डर. सुप्रीम कोर्ट सेज दैट स्टेट शुड नॉट आर्बिट्ररीली रिसॉर्ट टू इट. तो हमने जैसे देखा सेक्शन 66A गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, वो तो इनफैक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है फिर भी उसे यूज किया कर रहे हैं. तो
वैसे ही हमने दिल्ली रायट केस में देखा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट को बहुत यूज किया जा रहा है, दिल्ली रायट्स में यूज किया, और वो भी गलत तरीके से यूज किया. और वैसे काफी सारे केसेस में गवर्नमेंट एंड पुलिस कीप यूजिंग दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट सिर्फ पब्लिक डिसऑर्डर जब भी ना हो वो मेक श्योर करने के लिए है, ना कि स्टेट आए दिन उसके अंडर केसेस दर्ज कर सकते हैं. ठीक है, तो आर्बिट्रेरिली रॉन्ग वे में स्टेट को इस एक्ट को रिसॉर्ट करके उसके अंडर केसेस नहीं फाइल करने चाहिए. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है थोड़ा समझते हैं. प्रिवेंटिव डिटेंशन द ड्रेडेड पावर ऑफ द स्टेट टू रिस्ट्रेन अ पर्सन विदाउट ट्रायल कुड बी यूज ओनली टू प्रिवेंट पब्लिक डिसऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द जजमेंट ऑन मंडे. तो जजमेंट ने बोला है, मैं बोला है कि पब्लिक डिसऑर्डर जब भी लग रहा है ना उसको ठीक करने के लिए ही प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यूज किया जाता है, किया जा सकता है. ये डिसीजन दिया है मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने. बिकॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कैसा है कि इसमें विदाउट अ ट्रायल उसका केस सुने बिना उनको जेल में रखा जा सकता है काफी लंबे टाइम तक. तो दैट इज हाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से रॉन्ग पावर्स मिलते हैं एक्चुअली पुलिस वगैरह को. बट पब्लिक डिसऑर्डर के केस में आपको इसे यूज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए. ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. ठीक है, तो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इसे लिखना है, ये लिखना है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला मैंने जो स्टार मार्क किया वो लिखना है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज देखते हैं. इंटरनेशनल न्यूज नहीं, उसके पहले ये वाला न्यूज अगेन ये लिखना है, स्टार मार्क करी हूँ. पीएम मोदी लॉन्चेस डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन. एक नया डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन पीएम मोदी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है ई रूपी. ओके, तो ये लॉन्च किया है, ये ध्यान में रखना है और लिखना है. इट्स अ सिंबल ऑफ हाउ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग ही सेज. तो मोदी जी ने बोला है कि सिंबल ये दिखाता है, ये जो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है, कि इंडिया किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने ये लॉन्च किया. ठीक है, तो दैट्स इम्पॉर्टेंट न्यूज गाइस. आप लोग कमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम, मैं आप सभी की कमेंट को एड्रेस करूंगी वंस वी आर डन विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस. ठीक है, मैं लिंक तोड़ना नहीं चाहती हूँ, बीच में स्टूडेंट्स का भी नहीं और मेरा भी. अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज फॉरेन न्यूज में है. यूएस पुल आउट वॉज इन द अफगान क्राइसिस, घानी से. तो अशरफ घानी जो अफगानिस्तान के लीडर है, प्रेसिडेंट है, ही सेज दैट यूएस ने जब से पुल आउट किया है, ट्रूप्स निकाले हैं, ट्रूप्स पुल आउट किए हैं, अफगानिस्तान के क्राइसिस और बढ़ गए. तो ऑफकोर्स कितने साल तक रहेंगे यार, यूएस वाले 20 साल से रह रहे थे. तो अफगानिस्तान ने लाइक पूरा ब्लेम यूएस पे डाल दिया है कि यूएस के पुल आउट के वजह से सिचुएशन और वर्सन हुई है. ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेज आर अप टू द टास्क टू रिपेल तालिबान ऑफेंसिव इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, प्रेसिडेंट ने बोला है. अशरफ गानी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज मिलकर नेक्स्ट 6 महीने में तालिबान को ख़त्म कर देंगे, ऐसा बोला है. ऑफेंसिव वे में उनकी अगेंस्ट लड़ेंगे. US expands refugee program of Afghans. एक साइड अशरफ गानी बोल रहे हैं कि उनके पुल आउट्स के वजह से ये प्रॉब्लम सारी ज़्यादा हो गई, बट US फिर भी अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज थे, कल भी हमने न्यूज़ में देखा था, उनको पना दे रही है, उनको उनको रेफ्यूजी को सेटल करने के लिए एक्सपांड करी है प्रोग्राम. तो ये बहुत अच्छा बात है US के पास से. दिस इज वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, बट जो लिखनी नहीं है ध्यान में रखनी है. चाइना में फ्लड हुआ है, इसमें डेथ टोल ट्रिपल हो गया है. कल 100 लोग मरे थे तो आज 300 लोग मरे हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई है. अनदर ट्रैजिक थिंग हियर हैपनिंग एट रिसोर्ट ऑफ मारमरीज इन मुगला प्रोविंस टर्की में. ये बहुत बड़ी विलेज फॉरेस्ट आग जो लगी है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ टाइम पहले लगी थी, आपको पता होगा. तो वैसी ये आग लगी है जो पोल्यूशन बहुत करेगी, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब होगा, और इतने सारे ट्रीज वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो ऑफकोर्स एनवायरनमेंट के लिए ख़राब होगा. तो ये एक ध्यान में रखना है, सिर्फ ऐसे ही ऊपर से, नॉट मच इन डिटेल. चाइना में अगेन प्रॉब्लम है, जिससे डर लग रहा है वापस इधर सब जगह प्रॉब्लम आएगा. मिलियंस ऑफ देम आर अंडर लॉकडाउन इन चाइना बिकॉज डेल्टा वेरियंट जो आया है, इसका आउटब्रेक है, रीचेस ओवर 20 सिटीज इंक्लूडिंग वुहान विद इन विद 7 इन्फेक्शन. तो डेल्टा वेरियंट का इन्फेक्शन 20 सिटी में चाइना में पहुंच चुका है, जिससे चाइना में लॉकडाउन हो चुका है 2-3 दिन से, और मिलियंस आर अंडर लॉकडाउन. ठीक है, सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज. ये सारी हुई हमारी
इंटरनेशनल न्यूज़, बिजनेस न्यूज़ में और स्पोर्ट्स न्यूज़ में खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ कुछ नहीं है। ये एक ध्यान में रखना है कि हमारी जो इंडियन विमेन टीम है टीम माइटी ऑस्ट्रेलिया एंड मार्च इन टू सेमीफाइनल, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है हमारी हॉकी टीम जो है, ध्यान में रखना है ठीक है। इंडियन विमेन हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन है, बड़ा मतलब न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और ऑलमोस्ट हमने सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज के दिन की कर ली है। अभी मैं जल्दी से आपके कमेंट्स को एड्रेस करती हूँ और लाइव क्विज लॉन्च करने वाली हूँ, कहीं जाइएगा। श्रेया श्रीवास्तव इज आस्किंग करंट अफेयर्स नोट्स बहुत लेंदी हो जा रहा है, कैसे मैनेज होगा पूरे साल? तो बेटा रिवीजन के लिए आपको काम लगेगा, इसलिए ये तो करना पड़ेगा, बट बहुत कम न्यूज़ मैं तो लिखवाती हूँ, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उतना ही, तो उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। पूरे साल के करंट अफेयर्स पूछते हैं तो इट्स नॉट ईजी टू यू नो रिमेंबर इट एंड मैनेज इट, तो डेफिनेटली इट्स लिट इट्स गोइंग टू बी बिकम डिफिकल्ट एंड इट्स गोइंग टू बी लिटिल लेंदी फॉर श्योर। आपको टाइम टू टाइम फिर रिविजन करते रहना है, इसके लिए आप मेरे शॉर्ट वीडियोज़ देख सकते हो जो मैं अभी रेगुलरली डालने का प्लान कर रही हूँ। इनफैक्ट आपने जो ये नोट्स का मुझे क्वेश्चन पूछा, ये चीज़ के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपको मैं देने वाली हूँ कि कैसे करना क्या करना, ठीक है। मैम आप अरिजीत शीनू इज आस्किंग, मैम कोई बैकअप प्लान रखना चाहिए क्या? शीनू नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन वॉट यू आर इंटरेस्टेड इन। लॉ में ही आपको बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस 4 से 5 एंट्रेंस एग्जाम दो तो बहुत अच्छा रहता है, कहीं एक कॉलेज नहीं लगे तो आप उसके बाद में दूसरी कॉलेजेस में भी, कोई सेकेंड बेस्ट थर्ड बेस्ट कॉलेज में भी जा सकते हो। तो आपको बहुत सारी एंट्रेंस देनी चाहिए, 4-5 एंट्रेंस मिनिमम देनी चाहिए। आई एम अपरिचित से मैम, मतलब मेरा ड्रॉप हो गया एक साल, अच्छा तो मैंने जैसा भी सजेस्ट किया वैसे ही पढ़ सकते हो आप लोग। अपरिचित श्रेया सिंह मैम, ओके श्रेया सिंह मैम क्या रह लेना फॉर फ्लो इंग्लिश में पैसेज मैम, कृष्णा सिंह यस पैसेजेस आ सकते हैं ये सब आर्टिकल से, एडिटोरियल वगैरह से, और ज़्यादा करके द हिंदू वाले ही पूछते हैं क्योंकि उसकी वोकैब बहुत क्लास है, इंग्लिश सेक्शन में खास करके द हिंदू से पूछने के चांस बढ़ जाते हैं। मैम न्यू पैटर्न में प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट शुड आई डू? क्या प्रॉब्लम हो रही है कृष्णा बेटा? पैसेजेस मैं करवा दी, उसके भी क्लासेस मैं करवाऊंगी, आपकी एग्जाम्स जैसे नजदीक जाएगी डोंट वरी। आपको एडिटोरियल्स वगैरह पे ध्यान देना है न्यू पैटर्न में क्लैट की, और बाकी सारे न्यूज़ भी बहुत अच्छे से देखने हैं, उसमें से भी पूछ सकते हैं एंड दूसरी एंट्रेंस में भी वो काम लग सकता है। मैम सिलेबस भी नहीं मिल रहा क्लैट का, सिलेबस टेलीग्राम पे दे दूँ? ईजी है, सिंपल है, सिलेबस तो सेम ही है जो इतने सालों से चलता है वही है, तो चेंज नहीं हुआ है। आरती सोनी सिंह मैम पीएम मोदी ने ई रूपी न्यूज हेडिंग लिखना है ओनली? यस हेडिंग ही सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं, मैंने जितना अंडरलाइन या हेडिंग किया होता ना उतना ही लिखना है। चीनी सिंह चाइना में खेला हो गए फिर से मैम, क्विज का टाइमिंग? आरती सोनी क्विज का टाइमिंग लाइव क्विज अभी करूंगी लॉन्च आपके लिए, एंड लॉन्च करने के बाद 1:10 हो रहा है, मतलब अभी मैं लॉन्च कर रही हूँ, 1:30 तक मैं स्टार्ट कर लूँगी, तो इसका टाइमिंग ये बता देती हूँ। और करंट अफेयर्स की क्विज होगी स्पेशल क्लास मेरी, आज स्पेशल क्लास वापस बता रही हूँ गाइस, पोल आप पोल फीचर है जिसमें आप पोल के थ्रू यू नो क्विज अटेंड कर पाओगे, रेज योर हैंड ऑप्शन है जिसमें आप रेज योर हैंड करके फिर मेरे से बात भी कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो अनएकेडमी में भी ये सारे फीचर्स है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड स्पेशल क्लासेस देखिए, फिर अच्छी लगती है तो सब्सक्रिप्शन लेके आप बैचेस अटेंड करके पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कीजिए। तो मेरी आज 8:30 बजे 8:30 को करंट अफेयर्स की क्विज होगी, June 21st to 25th की स्पेशल क्लास हो रही है, ज्वाइन कीजिए ज़रूर, बहुत फ़ायदा होगा। जिसने अभी अन अकेडमी साइन अप ही नहीं किया तो निधि लाइव कोड यूज़ करके साइन अप कर लीजिए एंड देन सर्च माय नेम और आपको आज उनकी मेरी स्पेशल क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अभी लाइव क्विज लॉन्च कर रही हूँ गाइस, और आपको कोड बता देती हूँ एंड देन यू ऑल कैन लीव, कोड जान लीजिए, लाइव क्विज ज्वाइन कर लीजिए। मैं 1:30 को एग्जैक्टली स्टार्ट कर लूँगी क्विज, आप लोग रेडी रहिएगा। मंजू सिंह मैम आपकी वीडियो की प्लेलिस्ट बना लो ना यूट्यूब पे,
बेटा है ही प्लेलिस्ट, न्यूज़पेपर एनालिसिस की अलग से आप देख सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट वीडियोस की भी मैं अभी रेगुलरली डालूंगी, सिंस मैं अभी कोविड से बाहर ही निकली हूँ तो रोज नहीं कर पा रही हूँ, बट जितना मुझे टाइम मिल रहा है वैसे कर पा रही हूँ। तो शॉर्ट वीडियोस भी डालूंगी। वो क्या करना है आपको, पूरे 1 महीने के रोज फिर देख लेने हैं, जिसके आपसे आपका रिविजन हो जाएगा, नोट्स मेकिंग में हेल्प होगा वो सब, ठीक है। तो गाइज जल्दी से अगर अच्छा लगा है सेशन तो लाइक बटन हिट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अबाउट दिस क्लास। और मैं लाइव क्विज लॉन्च कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एंड आपको कोड बता देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। करंट अफेयर्स का ही कर रही हूँ गाइज, साइंस एंड स्पोर्ट्स फील्ड का कर रही हूँ अभी। ओके 10 क्वेश्चंस कर रही हूँ क्विज में। जीके लिख रही हूँ, एंड ये कोड कोड बता देती हूँ, लिखिए कोड गाइस, इधर लिख रही हूँ कोड 1308 7 9, ये कोड है 1308 7 9। मैं टेलीग्राम पे भी लिंक डाल देती हूँ इसका गाइस, जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड 1:30 को एग्जैक्टली क्विज विल गो लाइव, ठीक है। लाइव क्विज कैसे जाना है तो अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको नीचे 3 आइकन दिखेंगे, उसमें बीच में सेल्फ स्टडी का आइकन क्लिक कीजिए, वो क्लिक करने पे आपको एक पेज खुलेगा, उसमें ऊपर ही लाइव क्विज होगा। लाइव क्विज में जाइए, क्लिक कीजिए, जीके का क्विज दिखेगा, जीके लिखा हुआ, वो क्लिक कीजिए। फिर आप एंटर करने के लिए आपको एक कोड पूछेंगे, ये कोड डालना है 1308 7 9, एंड देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन द क्विज। 1:30 तक का टाइम दे रही हूँ, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, एंड एग्जैक्टली 1:30 को मैं क्विज स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप गाइज दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरी वन। 8:30 को स्पेशल क्लास के लिए मिलते हैं।